सो गाइस सलोनी ने बनाया है हमारे लिए यहाँ पे पोहा, तो सबके लिए लेके जा रही है, इसको छोड़ने के लिए आए थे। ओके बन गए। ये हम चार ही लोग हैं बुआ, मैं, सलोनी। इतने किसके लिए हैं? सोनू को दे दे। तो ये बुआ का घर है, ये पुराना वाला रूम है बुआ का, और ये वाला नया बनवाया है बुआ ने। बुआ यहाँ पे भागवत सुन रही हैं, ये अभी बनवाया है। हाल है तो हमारे न्यू ब्लॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे उसने हमारे लिए पोहा बना के लाई है, और यहाँ पे दावत, तो उधर हलवाई वगैरह लगे हुए हैं, तो अभी हम आपको जाके दिखाएंगे। टीवी की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि पोहा की भागवत चल रही है। पोहा आ गए, मम्मी भी आई गई मेरे यार, तो अभी जाएंगे वहाँ पे, पोहा वगैरह बन रहे हैं तो अभी आपको दिखाते हैं। सो गाइस नीतू गांव पहुंच गई है, तो वहाँ पे दिब्बू है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है नीतू को, और उसको मन भी नहीं लग रहा है फिन्नू के बिना यहाँ के लिए आने के लिए। बोलता है जब भी कॉल करेंगे पापा ले जाओ। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही प्यारा ब्लॉग है। और हाय करो सबसे, हाय मम्मी। चूड़ी दिखा दे अपनी, आज मैं दीपू के लिए चूड़ी लेके आई थी यहाँ से, भूम भूम से लेके आई थी सुनार से। मैं चूड़ी लेके आई क्योंकि कल शादी में जाएगा, वो मम्मी ने चूड़ी देगा ली थी कुआ पूजन में, लेकिन वो बड़ी थी इस वजह से फिर मैं छोटी लेके आई हूँ। छोटी लेके आई हाँ जी आई क्योंकि वो बड़ी थी। यही देखो कौन आ रहा है भैया, मम्मी आ रही है, इसकी बड़ी मम्मी, मेरी बड़ी वाली सिस्टर आ रही है आज, कल हम लोग शादी में जाएंगे। मी आप भी जाओगे शादी में? जाना है मम्मी। हाँ मी दीपू बोल रहा है, मैं जाऊंगा मम्मी मैं। ठीक है चले जाना, ठीक है। बूम 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 चाची के साथ लेके जाएगा। चाची बोलता है चाबी से, चाबी चाहिए इसे, चाबी के साथ जाएगा। बाय बाय कर दो, बाय। माँ जाएगा, माँ आइसक्रीम खाने किसके साथ जाएगा? मामू के साथ। अभी तो हमारी पहली पहुंच चुकी है, अभी हमको जाना है। सभी चाय चाहिए आपको? हाँ नानी जी बना रही है ना चाय। हाँ मामा के लिए कॉफी बनी है बेटू, मामा चाय नहीं पीते, कॉफी पीते हैं मामा। दूध की है? हाँ दूध की है? ये बोल रहा है दूध की कॉफी। हाँ दूध की कॉफी पीते हैं मामू। ओए ओए बस फाइनली काम चालू हो गया है। तो जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि ये दावत किस चीज के लिए हो रही है, तो इधर मथुरा साइड में कीर्तन वगैरह करवाते हैं, तो एक साल का कीर्तन जो वो है समाप्त हो गया है, तो इसीलिए सबके लिए दावत दी जा रही है, सारे रिश्तेदारों को बुलाया गया है। तो यहाँ पे मैं बुआ जी का लड़का वगैरह यहाँ पे आम ही काट रहे हैं सब्जी के लिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम है नहीं, घर के हैं और रिश्तेदार आए हुए हैं, तो इसीलिए कम ही लोग आए, तो ज़्यादा हलवाई वगैरह भी नहीं बुलाए, छोटा सा ही है। और हमारी दावत है पुआ खीर सब्जी की दावत है। तो गाइस यहाँ पे भैया पुआ बना रहे हैं, और बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो हम लोग बुआ को छोड़ने के लिए आए थे, तो बाद में पता चला कि यहाँ पे दावत भी है, तो फिर दावत के लिए रोक लिया गया था। और वैसे भी फूफा जी ने फ़ोन किया था, जो हमारी रियल बुआ है उनके यहाँ नहीं है, जैसे कि चाचा ताऊ वगैरह होते हैं तो उनके यहाँ पर दावत की गई है। ये बुआ की लड़की थी जो अभी गई है, और बारिश का मौसम हो रहा है, कभी भी बारिश आ सकती है, तो बाहर ही बनाया रखा है खाने वगैरह का प्रोग्राम है। जो गाइस गला सही नहीं हो पा रहा है मेरा, तो किस किस ने पुआ की खीर की दावत खाई है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और जो भंडारे की दावत होती है वो एक अलग ही होती है, अलग ही। सो गाइस यहाँ पर सलोनी है, टमाटर काट रही है। हमारी सलोनी थोड़ा बोल नहीं पाती और सुन भी नहीं पाती है, बुआ जी की सबसे छोटी छोटी बेटी है, तीन बेटी। सब्जी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो सब्जी कट चुकी है, इधर आलू है, इधर गोभी और पेठा। तो बुआ और
खीर की दावत है यहाँ पे। इधर तेल गर्म हो रहा है कढ़ाई में और ऊपर से बारिश भी आ रही है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इधर भैया हमारे पुआ सिकाई कर रहे हैं, फिर इनको ठंडा किया जाएगा। अंदर में ठंडे हो रहे हैं पुआ, तो गाइस इधर ठंडे हो रहे हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं है कि ज़्यादा लोग आए हों, तो इस वजह से अभी से सेकना चालू किया, नहीं तो बहुत पहले ही सेक जाते हैं। सो गाइस घर जाते टाइम रास्ते में मेरी बाइक का पहिया हो गया था आगे का पंचर, कांटे की जगह गिट्टी लग गई थी, तो थोड़ा माल कम था तो 1 किलोमीटर से मैं भाई इसको पैदल पैदल लेके आया था, क्योंकि आगे का टायर था तो प्रॉब्लम हो जाती, या तो ट्यूब कट जाता या नलकी कट जाती, तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। ऊपर से बारिश हो रही है, फिर जो ये काका जी हैं जो बना रहे हैं पंचर, ये भी नहीं थे घर पर, फिर इनको बुला के लाना पड़ा काका जी ने, और मुझे डरा दिया, बोले भाई निशान लग रहे हैं इसमें, कहीं 3-4 ना हो गए हों, पूरा ही ना छिद गया हो। मैं काका जी ऐसा मत बोलो, नहीं तो पूरा ही चेंज कराना पड़ जाएगा। तो गाइस ये छोटी मोटी प्रॉब्लमें आती रहती हैं ज़िंदगी में, ऐसी कोई कुछ नहीं है। तो काका जी हमारा पंचर जोड़ रहे हैं, तो जुड़ने के बाद फिर निकलते हैं अपने घर के लिए, क्योंकि कल का आया हुआ हूँ, मम्मी पापा भी फ़ोन कर रहे हैं, साथ में मोनू भी था मेरा। मोनू को मैंने पहले भेज दिया है, ताऊ गुस्सा कर रहे थे कहाँ रह गए, सुबह से आए नहीं अब तक, तो उसको निकाल। सो गाइस जैसे ही मैं बुआ के वहाँ से लौट के घर वापस आया, तो बस मुझे मेरी पिन्नू मिली, नीतू और दिव्यांश है वो जा चुके थे, उसका मामा लेने आया था, सॉरी मामा नहीं भतीजा आया था दिब्बू का भाई। पिन्नू अकेली रह गई हमारी, पिन्नू पढ़ने गई थी, पिन्नू को भी नहीं पता था कि मम्मी आज जा रही है ना, पिन्नू तुझे छोड़ के चले गए, अच्छा नहीं हुआ ना। मैं भी आया था तो मुझे भी मम्मी वगैरह कोई नहीं मिले, मम्मी दुकान पे थी और पिन्नू हमारी पढ़ने गई हुई थी, पापा थे बस, तो पीछे से चले गए गाइस वो लोग, छोड़ गए पिन्नू को अकेला। अब जाएंगे इसको, तो इसके मामा की शादी है ना बिचपुरी में, तो हम उस शादी वाले दिन जाएंगे, फिर भाई से, हाँ फिर भाई से मिलने, भाई से मिलने जाना तू है ना, तो इसको मैं तभी लेके जाऊंगा इसको, या तो इसको रहना होगा दिब्बू और मम्मी के पास, तो मैं इसको फिर वहीं छोड़ के आ जाऊंगा, अगर नहीं रहना होगा तो फिर साथ लेके आ जाएंगे, है ना पिन्नू, साथ में आ जाना।